नमस्कार, मैं आयुर्वेदिक जीवन कुमार दसन। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के विषय के बारे में, गुर्दे की पथरी के बारे में। इसके जो लक्षण होते हैं ये बहुत ही तकलीफदायक होते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब के साथ जलन होना, कई बार खूनी पेशाब मतलब खून भी आना, कई बार वहाँ पे बहुत ही गंदले रंग का गाढ़ा सा पदार्थ भी निकलना, जिसे हम पस बोलते हैं, कई बार पस निकलती है बाहर, और जो दर्द होता है बहुत एहसानी होता है, पीछे से आगे की तरफ दर्द आता है और बर्दाश्त के बाहर होता है, और कई बार तो इतना दर्द होता है कि वो पेन किलर खाने पर भी आराम नहीं आता, और साथ में कई बार उल्टी जैसा मन होता है, शरीर बिल्कुल निढाल सा हो जाता है। अब गुर्दे की पथरी के होने के कारणों के विषय में बात करते हैं। इसके वैसे तो विभिन्न कारण हैं और विभिन्न टाइप भी हैं और कई तरह की ये पथरी होती है, लेकिन ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको मैं जो मेन बात करूँगा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है भोजन अच्छे से ना पचना। इसमें कई तरह का भोजन हो सकता है जिसमें ज़्यादा कैल्शियम प्रोटीन हो, अगर वो ज़्यादा ना पचे या अच्छे से ना पचे तो किडनी के स्टोन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर हम केवल एक ही तरह का फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे अगर पत्तेदार सब्जियां अगर हम ले रहे हैं तो हमें साथ में दूध लेना चाहिए, तो जब एक ही तरह का फूड ज़्यादा लेते हैं तो वो ठीक समय उसका ठीक तरह से पाचन नहीं होता, तब भी गुर्दे की पथरी होने का वो कारण बनता है। हेरिडिटरी इफेक्ट भी होता है, कई बार हमारे पीछे जो पूर्वजों को ये प्रॉब्लम होती है तो हमें उसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब अगर लक्षण आ रहे हैं तो ये डिटेक्ट कैसे हो कि गुर्दा में पथरी है? इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सिंपल एक्सरे करवाना चाहिए, उसमें डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है, और अगर डिटेक्ट हो जाए तो हमें इलाज के लिए डिसीज़न लेना चाहिए। सबसे पहले अगर ऐसा है तो हमें चीरफाड़ या ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, या हमें जो और भी शल्य चिकित्सा है या और भी मॉडर्न सिस्टम में कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिससे वो गुर्दे को पथरी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले इन सभी जितने भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। अगर दवाई सही है तो वो गुर्दे की पथरी को गला करके धीरे धीरे बाहर निकाल देती है, इसलिए हमें आयुर्वेद का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। साथ में जो इसके कारण हैं, जिन कारणों से ये होती है पथरी, वो कारण जो मैंने पहले बताया आपको, उनसे बचना चाहिए। हमें भोजन अच्छी प्रकार से चबा चबा करके करना है, हमें फलों का रस ज़्यादा यूज़ करना है जिसको पथरी हो जाए, हमें लिक्विड मतलब पानी की मात्रा 10 से 15 गिलास रोज़ पीने चाहिए, अगर हम दवा ले रहे हैं तो 20 गिलास तक पी सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशाब आएगा उतना ही पथरी के जल्दी निकलने के चांसेस रहते हैं। हमें कोई भी अगर हम फैट खाते हैं या कैल्शियम लेते हैं उसको हमें अच्छी तरह से पचाना चाहिए, हमें खाना खाकर या फैट्स लेकर या प्रोटीन या कैल्शियम लेकर के हमें उसको पचाने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें उसको पचाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें सैर करनी चाहिए, हम योगाभ्यास भी कर सकते हैं। गुर्दे में पथरी होने पर कई बार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ भी आती हैं जो कई बार खतरनाक रूप ले लेती हैं, कई बार जो हमारे जो पथरी होती है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो जाके कहीं फंस जाती है, कई बार यूरेटर में आके फंस जाती है, तो हमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार हमें सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं उसकी कई बार हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन अमूमन आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही इसका समाधान हो जाता है। हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऑप्शन को ज़्यादा एक चिकित्सक की सलाह से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूलेशन ने एक मेडिसिन बनाई है जिसे हम स्टोन भेद के नाम से जो है स्टोन भेद केडी के नाम से हमने लॉन्च किया है। ये मेडिसिन सभी प्रकार की गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए सक्षम है। अगर 3 से 4 mm की पथरी हो तो कई बार 2 दिन में ही वो निकल जाती है, अगर पथरी ज़्यादा बड़ी है तो कई बार 15 से 20 दिन या 1 महीना लगता है, लेकिन वो स्टोन पूरे का पूरा बाहर आ जाता है। कुछ रोगियों को पथरी बार बार बनती है क्योंकि उनसे परहेज नहीं किया जाता और वो बार बार वो गलतियां करते हैं और पथरी बार बार बनती है। ऐसे लोगों को भी हम स्टोन भेद केडी लेने की सलाह देते हैं, इससे जो है वो पथरी जो उनके बनने के चांसेस हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो उनको पूरी डोज़ नहीं लेनी पड़ती, एक बार पथरी निकलने पर उनको बहुत कम डोज़, जैसे दिन में आधा चम्मच वो ले सकते हैं, पूरे दिन में एक बार ले सकते हैं, या
हफ्ते में 4 बार ले सकते हैं पूरे हफ्ते में, तो इससे उनको पथरी होने का जो खतरा है वो ना के बराबर रहता है। ऐसे लोग भी स्टोन बेथ केडी ले सकते हैं, और जिनको पथरी है वो मैंने बताया कि वो पथरी उनकी 2 दिन से लेकर के कई बार तो 24 घंटे के अंदर भी वो निकल जाती है अगर छोटी पथरी हो तो। उनको जो स्टोन है ईजी उनका बाहर आ जाता है, उनको किसी प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपके मन में किडनी से रिलेटेड या किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।